चाकू कहाँ मारा आपको? चाकू सीने पर मारा उसने। कितने लोग थे आप साथ में? दो जन थे, तो वो पीछे वाला जो था उसने मतलब अफिसा पहले देखो चेक करो कि कहाँ लगी। हाँ। चेक करा तो यानी ऐसा एहसास हो रहा था, वो कोट फटा हुआ दिखा तो अंदर हाँ। देखा खून बह रहा था। अच्छा, मैंने मोहम्मद खून बह रहा तो मुझे चलो पहले अस्पताल चलते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन किराम, बड़ी दर्द और दुख भरी न्यूज़ मध्य प्रदेश से आ रही है। कुछ गुंडों ने एक इमाम साहिब और उनके दोस्त पर चाकू छुरी से कातिलाना हमला कर दिया। शेख हाफिज़ मोहम्मद वजीफ़ा मध्य प्रदेश में एक मस्जिद में इमामत करते हैं। हाफिज साहब और उनके दोस्त नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में घायल होने वाले हाफिज़ वजीफ़ा से पूरी तफसील जाने। हाँ, आपका नाम क्या, आपके साथ में क्या हुआ? मेरा नाम शेख हुसैफा है, मैं हाफिज हूँ, इमामत करता हूँ। मैं नमाज पढ़ाने के लिए जा रहा था जी, बाइक से था। अंजनी टाकिज के बाजू में शाह फर्नीचर है, उसके जस्ट सामने टर्न था, गाड़ी सीधो हुई। चार पांच लोंडे थे, उनमें से एक लोंडे ने चाकू निकाला, यानी चाकू दिखा नहीं मेरे को निकालते वक्त, और बस जस्ट उस मेरे को एहसास नहीं हुआ कि चाकू मारा उसने। कहाँ मारा आपको साथ में? जी, चाकू कहाँ मारा आपको? चाकू सीने पर मारा उसने। कितने लोग थे आप साथ में? दो जन थे, तो वो पीछे वाला जो था उसने मतलब अफिसा पहले देखो चेक करो कि कहाँ लगी। हाँ। चेक करा तो यानी ऐसा एहसास हो रहा था, वो कोट फटा हुआ दिखा तो अंदर हाँ। देखा खून बह रहा था। अच्छा, मैंने मोहम्मद खून बह रहा तो मुझे चलो पहले अस्पताल चलते। आपके साथ में और कौन था? एक मोहम्मद भाई थे। अच्छा, ठीक है, अभी ठीक है जी, वो ठीक है यार, उनको कुछ नहीं मारा। ठीक है।